आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो बहुत दिन से हम लोग एक बात सोच रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये बात शेयर नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा टाइम बीत जाए फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सही टाइम पे। तो आई थिंक वो टाइम आ चुका है और आप लोगों को अभी बताना चाहिए क्योंकि हमारा जो सुख दुख सब बातें हैं सब आपके साथ शेयर करते हैं। तो बहुत दिन से सोच रहे थे बात शेयर करेंगे लेकिन टाइम ही नहीं हो पा रहा था, तो आज फाइनली हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो बात। और ये बात को लेके हम दोनों ही बहुत दिनों से परेशान हैं, लगभग एक दो महीने से हम दोनों का थोड़ा इस चीज़ को लेकर परेशानी चल रहा है। एक महीने ही हुआ है तो बहुत दिन से हम लोग परेशान हैं और ये चीज़ परेशान होने वाली ही है एकदम, क्योंकि ये चीज़ जो होता है ना बहुत तकलीफ़ होता है। तो वो बात ही आज शेयर करने वाले हैं। और जो लोग बाहर पे रहते हो रेंट पे रहते हो ये सब लोगों को ये बात लेकर दिमाग पूरा ख़राब होता है जब रूम चेंज करना पड़ता है। तो शिफ्टिंग करने में बहुत दिक्कत होता है जो बाहर रहते हो सभी को पता है। और वही चीज़ हमारे साथ अभी हो रहा है। और एक बात, अगर पहले होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि पहले हमारे पास वैसे कुछ नहीं था जब इस घर में हम लोग आए थे, ज़्यादा सामान नहीं था तो बहुत इजीली हम लोग शिफ्ट कर गए थे। लेकिन इस घर में आके बहुत सारे चीज़ ऐसा हुआ है, छोटा छोटा जो चीज़ होता है घर का हुआ है, तो अभी शिफ्ट करने में बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो वही सोच के और अच्छा रूम पाना वो बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि ये जो घर हम लोग दो महीने ढूंढने के बाद फिर ये मिला था, लेकिन फिर से वो प्रॉब्लम होने लगा है अभी। और आप लोग सोच रहे हो कि तो रूम चेंज करेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें भी बहुत सारे दिक्कत है क्योंकि ऐसे तैसे करके हम लोग ये रूम नहीं छोड़ रहे हैं। दो साल लगभग हम लोगों ने ये रूम पे रह चुके हैं, दो साल पूरा नहीं हुआ है, तो अभी भी हम लोगों का इधर छोड़ने का कोई प्लान नहीं था। तो हम क्यों छोड़ रहे हैं आखिर में, यही रीज़न आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। तो बताओ, तो पहले ही बोल देते हैं कि हमारा जर्नी इस रूम से ही स्टार्ट हुआ है। यूट्यूब जर्नी बोलो और हमारा रूम का छोटा छोटा एक चीज़ बोलो, सब कुछ इस रूम से ही स्टार्ट हुआ है। हम दोनों का बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हुआ है इस रूम से, तो इस रूम से बहुत कुछ जुड़ा है फ्रेंड, बहुत कुछ। तो ये बहुत यादें, बहुत मेमोरीज इस घर में रहेगा क्योंकि मतलब कोलकाता पे जब हम दोनों आए थे ना तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे इस घर में हम लोगों को सब कुछ होने लगा। और भी रूम पे हम लोग थे लेकिन ये रूम जैसा इतना एक बोलते हैं ना छोटा सा संसार यही रूम फील करवाता है। सच में हम छोटा सा एक संसार बसा लिए थे लेकिन ये रूम छोड़ना पड़ेगा ये सोच के हम दोनों एक महीने से बहुत ही टेंस है और बहुत ही परेशान है क्योंकि न्यू रूम भी ढूंढना पड़ेगा, मतलब ये घर छोड़ना पड़ेगा एक दुख है और दूसरा बात है कि हम लोगों को न्यू रूम ढूंढना पड़ेगा। और कोलकाता शहर में रूम ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है जैसा बात है। और उस रूम पे जाके सेटल होना वो भी एक बड़ी बात है, पता नहीं कहाँ जाके हम लोग सेटल होंगे, लेकिन आई होप अच्छी जगह ही सेटल होंगे। हम लोग ढूंढ रहे हैं अभी तक और अच्छा घर मिलने पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। अभी आते हैं क्यों हम लोग ये घर छोड़ रहे हैं। हम लोगों का तो प्लान था ये घर हम लोग अभी नहीं छोड़ेंगे, लाइफ में कुछ करेंगे फिर ये रूम हम लोग चेंज करेंगे, मतलब जितना दिन हो सके हम लोग इधर। अभी तो प्लान नहीं था इधर चेंज करने का क्योंकि इधर हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसके बीच आखिर में क्या हुआ कि बाबा और घुटू को ये रूम छोड़ना पड़ रहा है, आप लोग यही सोच रहे हो। तो और इंतज़ार नहीं करवाएंगे, बता देते हैं कि आज कि आखिर में क्यों हम लोग घर छोड़ रहे हैं। वो बहुत सारे रीज़न हैं, मतलब हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, इधर सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन हम लोगों को लेकर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम लोग सभी का बात सुनते थे या फिर कुछ नहीं बोलते तो हम लोग इधर जैसे रह रहे ऐसे ही रह पाते, लेकिन क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम लोग तो उनमें से नहीं है कि चुपचाप सब कुछ बात सुन जाए और जो गलत हो वो उस बात पे भी नहीं बोले, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। तुम सही बात बताओ, हम लोग सुनेंगे तुम्हारा बात कि तुम सही बोल रहे हो, अगर तुम एक शब्द भी गलत बोला ना तो दो शब्द तुम्हारे बारे में हम लोग गलत बोलेंगे, वही बात है। और वैसे तो हम दोनों को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि हम लोग किसी की बातें में नहीं रहते हैं और हम लोग हमारे तरह ही रहते हैं और हम दोनों में ही डूबा रहते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग जो काम है और अभी तो बहुत ही बिजी हो गए हैं, बाहर जाके PNPC नहीं कर पाते हैं, तो इस बात से सबको प्रॉब्लम होने लगा है। और आप लोगों को तो पता ही है कि जब एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहता है, एक एक लोग एक एक तरह की रहता है,
तो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे रहता है कि जो PNPC करने में बहुत ही मास्टर माइंडेड है, तो हम लोग मतलब एक कलर का ड्रेस पहन रहे हैं, एक कलर का ड्रेस पहन के निकल रहा है तो सोचते हैं हाँ उनमें कुछ है, वो कौन लगता है एक दूसरे का, मतलब क्यूरियोसिटी होता है ना। तो हम लोग अगर वो साड़ी पहनते हैं, मैं पंजाबी पहन के अंजलि देने के लिए मंदिर पे जाती हूँ, तो उधर भी बहुत सारे लोग रहता है जो मैं एक बात नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि हम दोनों के पैसे से रहते हैं, हम दोनों के पैसे से खाते हैं, तो दूसरे लोगों को इतना जलन क्या होता है, इतना क्यूरियोसिटी कैसे होता है कि इतना तकलीफ़ क्यों। और बहुत सारे लोग हमारे बारे में जानते हैं, हमारा दोनों का रिश्ता जानते हैं, और सबसे बड़ी बात अभी है चीनी, क्योंकि चीनी पहले हमारे साथ नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी चीनी आ गया है तो चीनी को लेकर बहुत प्रॉब्लम होने लगा है बिल्डिंग के लोगों को। तो पहले तो बोला था कि सब चीनी को एक साथ देखेंगे ऐसे वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसे आखिर में कुछ भी नहीं हुआ, पूरा जिम्मेदारी तो हम पे आ ही गया है। तो अभी हम लोग बोला ठीक है, पूरा जिम्मेदारी जब हम पे आ गया है तो चीनी को कोई मत देखना, पूरा एकदम हम ही देखेंगे जितना हो सके। एक्चुअली क्या होता है ना फ्रेंड्स, सब लोग दाई सरता है बोलता है ना बंगाली में, दाई सारे, तो दाई सिर्फ वो आधे ना होता है, सिर्फ थोड़ा सा देख लिया, ये कर लिया, मन से करो ना, मुंह से सिर्फ बड़े बड़े बात, काम पे कुछ नहीं है। तो छोड़ो, एक जीप का हम दोनों अगर खा सकते हैं उसके लिए थोड़ा कम चल जाएगा, किसी को शायद कभी किसी को थोड़ा बहुत कम पड़ता है, तो इसीलिए उनको देना भी उनको नहीं आता है, तो क्या बताए, वो नहीं खा के रह सकता है तो ठीक है, हम लोग हम खा सकते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ही तो खाता है, तो ये देने में क्या दिक्कत होता है पता नहीं लोगों को। और सबसे बड़ी बात ये है कि चीनी को लेके बोलूँगी मैं, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन है और चीनी तो आप लोगों को पता ही है कि वो लोग मीट और फिश खाते ही है, लेकिन हमारा चीनी जो है वो मीट खाना ज़्यादा पसंद करता है, तो हम लोग नहीं खाते तो क्या हुआ, हम लोग ला के उसको खिलाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसको ज़रूरत है। तो अभी किसी को ज़रूरत नहीं है हमारे चीनी के लिए, सच में बोल रही हूँ, हम लोग खुद खिलाएंगे, खुद रख सकते हैं। तो यही बात, और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं उसके लिए बोलना नहीं चाहिए सब, चीनी के लिए हम लोग वेजिटेरियन है, फिर भी मैं चिकन लेकर दूसरे के घर पे पका के फिर मैं उसको खिलाता था, तो ऐसा होता है कि उसको अगर कोई टेक केयर नहीं करे ना, दिल में दर्द होता है यार, जो गुस्सा होगा कोई बात नहीं, जो अगर हम लोगों का बात में कोई गुस्सा है फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तो सच में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम खुद के पैसे से और खुद सब करते हैं, तो अभी सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि इस बिल्डिंग में ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि चीनी को हमारे पास रखे है, बोल रहा है कि छोड़ दो उसको, क्यों रखना चाहिए, तो ऐसे रखोगे तो फिर उसको छुट्टा नहीं, मतलब उसको बंद के रखो घर में, दरवाज़ा दे के रखो, हमारा घर में अगर आए तो हम मार देंगे, मतलब ये सब बोल रहा है, तो सोचो अगर ऐसा कोई बोलेगा तो हम लोग चुप करके नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है, हम लोग ज़रूर बोलेंगे, और उसका छोड़ो। तो जो भी बात है, तो हम लोगों ने तो बोला चीनी को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी हम लोग डिसीजन लिया, हमारा जो घर का मालिक है उसके पास भी जाके बहुत सारे बात बोला है, तो वो आके बोला है तो तुम लोग अभी घर देख लो, जितना दिन हो सके तुम रहो, घर मिलने पे तुम लोग चले जाना। तो हमने बोला जब बोल ही दिया है तो अभी तो रहने का कोई मतलब ही नहीं है, और एक रीज़न ऐसा दिखाया कि हम लोग बात भी नहीं कर पा रहे उसके ऊपर कि ये रीज़न में, एक्चुअली पीछे पीछे बहुत सारे रीज़न है कि चीनी है, फिर हम लोगों का अंदर रिश्ता क्या है, ये सब तो सामने कोई नहीं बोल पाता है, लेकिन चुप के हमारा वीडियो सब देखते हैं, हमको पता है, जो भी छोड़ो वो बात हम लोग नहीं बोलेंगे कि उसका जो सोचने की गंदी सोच गंदी बात, तो छोड़ो, जो रहने देते हैं, लेकिन जो भी हो जो रीजन पे बोल रहा है तो हम लोगों को भी कोई, हम लोग तो समझ में आ गया किस रीजन से बोल रहा है, तो हम लोग इस बारे में ज्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे पीछे बहुत पोक किया है, इसीलिए शायद हम लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन इस बात को लेकर हम लोग एकदम दुखी नहीं है, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, तो हमारे लिए भी शायद कोई अच्छा ही है, तो उसकी तरफ ही हम अभी जा रहे हैं। तो और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, तो हम लोग सच में कोई अगर ऐसी सिचुएशन आता है ना जब हम लोग मूड ऑफ हो जाता है, तो हम लोग सोचते नहीं अभी कोई बात नहीं, ये तो शुरुआत है, आगे जाके और भी अच्छा चीज़ है हमारे लिए, तो ये सोच के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप लोग इतना सारा प्यार देते हो इसके लिए थैंक यू सो मच। और एक बात, आप लोगों का प्यार से हमारा YouTube फैमिली 40K होने वाला है, दिल से थैंक यू सभी को, और जल्दी जल्दी जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि
जल्दी जल्दी 50K कर दो फ्रेंड्स। 50K होने पे एक धमाका आएगा, वो क्या आएगा अभी नहीं बताएंगे। जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दो, फिर जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा है, चलो दिखाते। देखो ये देखो, नॉट सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, तो आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और न्यू वीडियो देखते रहो ऐसे ही। और मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत जल्द हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं, और कहाँ शिफ्ट होंगे क्या सब कुछ तो आपके साथ शेयर करने ही वाले हैं। तो चलो, आज का वीडियो जो बोलना था वो बात बोल दिया। मिलते हैं नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो लेकर। तो चलो आज के लिए टाटा, बाय बाय।